तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है एडक्टर कैनाल या फिर हंटर कैनाल। अभी जो एडक्टर कैनाल जो है, एक्चुअली में इधर आप देख रहे होंगे, ये क्या है? ये आपकी है एक इंटर मस्कुलर कैनाल। इसका मतलब क्या है? ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है आपका मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई। अगर अपन थाई को अगर अपन देखें तो उसके अंदर कितने कंपार्टमेंट रहते हैं थाई में? थाई में आपके रहते हैं तीन कंपार्टमेंट। एक रहता है इंटीरियर कंपार्टमेंट, जिसके अंदर रहती है आपकी सारी एक्सटेंजर मसल। अगर अपन फोर आर्म में देखें तो फोर आर्म में क्या होता है? इंटीरियर कंपार्टमेंट होता है फ्लेक्सर मसल के लिए, लेकिन यहाँ पे अपोजिट रहता है। इसका जो इंटीरियर कंपार्टमेंट में जितनी भी मसल रहती हैं वो आपकी रहती हैं सारी एक्सटेंजर मसल। देन इसका पोस्टेरियर कंपार्टमेंट में आपकी रहती हैं सारी फ्लेक्सर मसल। देन यहाँ पे एक और कंपार्टमेंट होता है जो कि होता है मीडियल कंपार्टमेंट, जिसके अंदर रहती है सारी एबडक्टर मसल। अब उन सारी एबडक्टर मसल के बीच में ये जो आपको स्पेस दिखती है, इंटर मस्कुलर स्पेस, मतलब कि इन मसल के बीच में एक स्पेस है, तो इसको अपन बोल देते हैं एडक्टर कैनाल। इसलिए इसका नाम है एडक्टर कैनाल, क्योंकि ये एडक्टर मसल के बीच में जो कैनाल है। उसके बाद अपन ये देखें कि एबडक्टर कैनाल का एक्सटेंशन कहाँ से होता है। तो सबसे पहले आपने मेरी फीमोरल ट्रायंगल की वीडियो में देखा था। अगर आपके फीमोरल ट्रायंगल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक आई बटन पर मिल जाएगा। अब जाके सबसे पहले फीमोरल ट्रायंगल की वीडियो देख लीजिए। लेकिन आपको फीमोरल ट्रायंगल अगर आता है तो उसके सारे कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाएंगे। तो अपन ये देखा था कि फ्रंट ऑफ थाई में, ये क्या है? फ्रंट ऑफ थाई, उसके अंदर आपको एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन दिख रहा होगा। इसको अपन क्या बोल देते हैं? फ्यूमोरल ट्रायंगल। अब फ्यूमोरल ट्रायंगल एक ट्रायंगल है तो उसका एक होगा बेस। तो उसका बेस कौन बना रहा था? आपको इंग्वाइनल लिगामेंट। देन उसका एक होता है एपेक्स, जो कि इसकी लेटरल और मिडिल बॉर्डर के मिलने से बनता है। अब यही फ्यूमोरल ट्रायंगल का ये जो एपेक्स होता है, वहीं से आपकी एडक्टर कैनाल स्टार्ट हो जाती है। अगर इस सारी मसल को मैं हटाऊं तो आपको सेपरेट सेक्शन दिख रहा होगा। तो उसके अपर पार्ट में ये ट्रायंगुलर डिप्रेशन क्या है? यही आपका है फ्यूमोरल ट्रायंगल। देन फ्यूमोरल ट्रायंगल के एपेक्स से ये जो ट्रायंगल जो है फर्दर एक्सटेंड करता है आपके एबडक्टर मसल के बीच में। फ्यूमोरल ट्रायंगल से आपका एक्सटेंड हो रहा है एबडक्टर हियाटस तक। अब आप बोलेंगे एबडक्टर हियाटस क्या है? तो यहाँ पर जो मसल है इसको अपन बोल देते हैं एबडक्टर मैग्नस मसल। और उस एबडक्टर मैग्नस मसल का जो इंसर्शन होता है उसके अंदर एक रहती है ओपनिंग, जिसको अपन बोल देते हैं एबडक्टर हियाटस। अगर मैं आपको ये एबडक्टर मैग्नस मसल सेपरेट करके दिखाऊं तो इस तरीके से आपके एबडक्टर मैग्नस मसल होती है। और ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसल है। इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है यूनिवर्सिटी में, किसका ओरिजिन और इंसर्शन लिखने बताओ। अब जो एबडक्टर मैग्नस मसल है, अगर आप उसको ओरिजिन देख रहे हो तो उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? इन्फीरियर प्यूबिक रामाई से। और उसका इंसर्शन जो है ये आपका एक मीडियल सुपरा कॉन्डाइलर है। ये क्या है? ये इसकी मीडियल कॉन्डाइल। उसके ऊपर क्या होता है? मीडियल सुपरा कॉन्डाइलर रिज में हो रहा है। देन यहाँ पे रहता है ट्यूबरकल, उसको अपन बोलते हैं एडक्टर ट्यूबरकल। वहाँ पे जाके इसका इंसर्शन हो रहा है। और इसके इंसर्शन के टेंडन के बीच में ये जो आपको एक गैप दिख रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोल देते हैं एडक्टर हियाटस। तो ये एडक्टर कैनाल जो है ये आपकी फीमोरल ट्रायंगल के एपेक्स से लेकर आपकी एडक्टर मैग्नस मसल की ओपनिंग, जिसको अपन बोल देते हैं एडक्टर हियाटस, वहाँ तक आपका होता है एक्सटेंड। तो अब अपन इसकी देखते हैं बाउंड्री और फिर अपन देखते हैं इसका कंटेंट। तो सबसे पहले अपन इसकी देखते हैं बाउंड्री। तो इसकी बाउंड्री समझने के लिए मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये वाला जो डायग्राम है ये एक्चुअली मैं अगर मैं इस डायग्राम को इस सेक्शन में कट करूँ देन अपन को ये वाला डायग्राम सुपीरियर व्यू से देखने को मिलेगा। अगर मैं देखूँ तो ये वाली साइड क्या है? ये है आपकी मीडियल साइड। देन ये वाली आपकी साइड है लेटरल साइड, ये आपकी है इंटीरियर, ये है आपकी पोस्टीरियर। अगर अपन इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ये वाली साइड क्या थी? ये थी मीडियल। लेकिन इस तरफ में अगर सुपरफिशियल व्यू से अपन देखें तो ये वाली साइड है आपकी मीडियल साइड। देन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे किसकी मीडियल साइड, ये कौन सी मसल है? ये आपकी मसल है सार्टोरियस मसल। तो इसके मीडियल साइड में है सार्टोरियस मसल। अगर इस मसल का ऐसे क्रॉस सेक्शन काटूंगा तो आपको सुपीरियर व्यू में ऐसे दिखेगा ना, तो ये है आपका सार्टोरियस मसल। देन इसकी इंटीरियर में एक मसल होती है जो कि है वास्टस मीडियलिस मसल। देन इसके पोस्टीरियर में एक मसल है जो कि है आपकी एबडक्टर लॉन्गस मसल। यहाँ पे जो है ये मसल ही जो है इसको अपन बोल देते हैं एबडक्टर लॉन्गस मसल। अब इन सारी मसल के बीच में जो इंटर मस्कुलर स्पेस, मतलब मसल के बीच में, इसलिए अपन बोलते हैं इंटर मस्कुलर स्पेस जो दिख रही है वही आपकी एडक्टर कैनाल। अब अपन देखते हैं इसकी बाउंड्री। तो अगर आप देख पा रहे होंगे जो एडक्टर कैनाल है उसकी ये एक बाउंड्री बन रही है। अब बाउंड्री किस साइड है? ये आपकी एंटेरियर भी है और लेटरल भी है। तो इस बाउंड्री का अपन क्या बोलेंगे? एंटेरियर लेटरल बॉर्डर। अगर आप फिर से मैं आपको बताऊं ये क्या है, एंटेरियर भी है और लेटरल साइड भी है, तो इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं एंटेरियर लेटरल बॉर्डर।
देन ये वाली क्या है मीडियल साइड है, इसलिए अपन उसके बोलेंगे मीडियल बॉर्डर। देन ये वाला क्या है पोस्टीरियर भी है और मीडियल भी है, तो इसलिए इसको बोलेंगे पोस्टीरियर मीडियल सरफेस। अब इसका जो इंटीरियर लिटरल बॉर्डर जो है वो कौन बना रहा है, वो आपके बना रही है वास्टस मीडियालिस मसल। इसके सामने क्या वास्टस मीडियालिस, तो इसकी बना रही है वास्टस मीडियालिस मसल। अब बेसिकली अब सारी अपन ने बाउंड्री किस तरीके से याद करी थी, मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी कि सारी बाउंड्री किसी भी ट्राइंगल की कैनाल की याद करने का तरीका होता है उसका आप डायग्राम याद कर लो। अगर अपन उसको उसका डायग्राम याद है तो अपन क्या करेंगे इसका डायग्राम बना देंगे, देन अपन उसकी डायग्राम से देख के अपन उसकी सारी बाउंड्री लिख देंगे। तो अगर इस पर अपन देखें तो इसकी एंटेरियर लेटरल में क्या है वास्टस मीडियालिस मसल, तो इसकी एंटेरियर लेटरल बॉर्डर बना रहा है। देन इसकी मिडल साइड में क्या है सार्टोरियस मसल, तो सार्टोरियस मसल जो है इसकी मीडियल बॉर्डर बना रहा है। देन अपन इसकी देखें पोस्टीरियर मीडियल, इसके पोस्टीरियर मीडियल में क्या है आपकी है एबडक्टर लॉन्गस मसल, तो इसकी पोस्टीरियर मीडियल सरफेस कौन बना रहा है एबडक्टर लॉन्गस मसल। अगर आप यहाँ पे देखें ये जो मीडियल साइड है जो कि सार्टोरियस मसल बना रहा है, ये क्या कर रहा है पहले इसका बना रहा है ऊपर वाला रूफ, मतलब अपन ये भी बोल सकते हैं अगर देखें ये क्या है पहले इसका बना रहा है रूफ, देन रूफ बनाने के बाद क्या आ जाता है ये आ जाता है आपकी मिडल साइड में। तो अगर अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो मिडल साइड है ये आपकी रूफ भी है, पहले सर्टोरियल मसल रूफ भी बना रहा है देन इसके बना रहा है मीडियल वॉर। और जो पोस्टीरियर साइड जो है ये पोस्टीरियर मिडल साइड जो एडेप्टर लॉन्गस मसल है ये क्या है इसके पीछे है, इस कैनाल जो आप देख रहे हैं इस कैनाल के पीछे की तरफ है पोस्टीरियर बॉर्डर बना रहा है एडेप्टर लॉन्गस मसल, तो ये इसका ये आपका फ्लोर भी बना रहा है। तो यहाँ पे जो है यही लिखा है कि इसकी जो एंटेरियर लेटरल बॉर्डर है वो आपको बना रहा है वास्टस मीडियालिस, देन इसकी पोस्टीरियर मीडियल सरफेस मतलब कि ये वाली ये आपको बना रहा है एबडक्टर लॉन्गस, मतलब क्या रहता है अपर पार्ट में आपको बना रहा है एबडक्टर लॉन्गस मसल। देन अपन नीचे जब आ जाते हैं तो नीचे ब्लो में बनाता है एडेप्टर मैग्नस मसल, मतलब कि दो मसल इसकी पोस्टीरियर मीडियल सरफेस बनाती है अपर पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में एडेप्टर लॉन्गस मसल देन नीचे वाले पार्ट में एडेप्टर मैग्नस मसल। देन अपन देखते हैं मीडियल वॉल जो कि ये है, मिडल वॉल आपकी बना रही है सार्टोरियस मसल। अब अगर आप इस डायग्राम में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देख रहे होंगे कि सार्टोरियस मसल के जस्ट पीछे आपको एक नर्व्स दिख रही होंगी बहुत सारी, नर्व का प्लेक्सिस तो सार्टोरियस मसल के नीचे है, इसलिए अपन उसको बोल देते हैं सब सार्टोरियल प्लेक्सिस। तो ये जो प्लेक्सिस जो है ये एक्चुअली में आपकी ब्रांचेस से बनता है, सबसे पहले आपकी रहती है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, दूसरी सेफेनस नर्व, तीसरी एंटेरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टुरेटर नर्व। तो इसको याद करने की जिंगल है एमएस ऑफिस, जो अपन कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं ना फाइल वगैरह बनाने के लिए, तो इस जिंगल से अपन इस प्लेक्सिस की सारी ब्रांचेज याद कर सकते हैं। एम से मिडल क्यूटेनियस नर्व, एस से सेफेनस नर्व, ओ से मतलब एंटेरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टुरेटर नर्व। देन अपन इसके देखते हैं कंटेंट, तो अगर आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे ये जो एबडक्टर कैनाल है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपको ये दिख रहा होगा एक है आपकी फीमोरल आर्टरी, उसका सबसे पहला कंटेंट होगा फीमोरल आर्टरी, देन इसके अंदर आपके दिख रहा होगा फीमोरल वेन, देन इसका जो है दूसरा कंटेंट हो गया इसका फीमोरल वेन। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक दिख रही होगी सेफेनस नर्व, यहाँ पे एक इसका कंटेंट हो गया सेफेनस नर्व। उसके अलावा ये जो जो वास्टस मीडियालिस मसल है उसको भी एक नर्व सप्लाई करेगी, तो उसको अपन बोल देते हैं वास्टस मीडियालिस नर्व। देन उसके अलावा एक ऑब्टुरेटर नर्व रहती है, तो जितने भी एबडक्टर कंपार्टमेंट में मतलब कि जो मिडिल कंपार्टमेंट में जितनी भी मसल रहती हैं उसको सप्लाई कौन करता है, उसको सप्लाई करता है ऑब्टुरेटर नर्व। अब जो ऑब्टुरेटर नर्व जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो मैंने बना के रखी है, अगर आपको वो देखना हो तो आप आई बटन पर जा सकते हैं उसकी भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसकी जो ऑब्टुरेटर नर्व की दो डिवीजन होती है, एक एंटेरियर डिवीजन और एक पोस्टीरियर डिवीजन। तो अगर अपन इस बाउंड्री वाले डायग्राम से सारी मसल वगैरह अपन हटा दें, उसको वेंट्रल व्यू से मतलब फ्रंट व्यू से अगर अपन देखें सारे कंटेन, तो इन सारे कंटेन का अपन को सिचुएशन पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये एबडक्टर कैनाल के अंदर होती हैं। तो अगर अपन फ्रंट से देखें तो ये वाली साइड क्या है, यह आपकी लेटरल साइड और ये है आपकी मिडल साइड। इस लेटरल साइड में अपन देख रहे होंगे ये क्या है, ये आपकी फीमोरल आर्टरी। अब फीमोरल आर्टरी जो है एबडक्टर कैनाल में दो ब्रांचेस देता है, एक ये आप देख रहे हैं मस्कुलर ब्रांचेस, दूसरी देता है डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। अब जो डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी जो है ये आगे फर्दर दो और आर्टरी दे रहा है, एक है मस्कुलर आर्टरी, दूसरी है सेफेनस आर्टरी। उसके अलावा अपन ने यहाँ देखी थी फीमोरल वेन, अब जो फीमोरल वेन जो है अपर पार्ट में मतलब कि एबडक्टर कैनाल के अपर पार्ट में ये जो फीमोरल वेन है ये आपकी कहाँ है, फीमोरल आर्टरी के पोस्टीरियर है, लेकिन लोअर पार्ट में ये आपकी फीमोरल आर्टरी के लेटरल साइड है, मतलब कि
मतलब कि एबडक्टर कैनाल में जो फीमोरल वेन होती है ये फर्स्ट आपकी पोस्टीरियर रहती है आर्टरी के, देन ये आ जाती है इसकी लेटरल, देन अपन ये जो देख रहे हैं ये क्या है, ये आपकी नर्व टू वास्टस मीडियलिस। फीमोरल आर्टरी के एंटेरियर में देखें ये आपको दिख रही होगी, ये है आपकी एक सेफेनस नर्व, उसके अलावा ये है आपका एंटेरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टुरेटर नर्व और ये है इसका पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टुरेटर नर्व। तो यहाँ पे जो है यही लिखा है, ये जो फीमोरल आर्टरी है ये आपका कैनाल के अंदर कैसे एंटर करता है, तो फीमोरल आर्टरी जो है एंटर कर रहा है कैनाल एट द एपेक्स ऑफ ट्राइंगल। अगर मैं फिर से ये वाला डायग्राम दिखाऊं तो ये क्या है, ये है फीमोरल ट्राइंगल। अब फीमोरल ट्राइंगल के अंदर भी रहती है फीमोरल आर्टरी, तो फीमोरल आर्टरी जो है कुछ यहाँ से आती है, देन इस कैनाल के अंदर वो पास होती है, पास होते हुए कहाँ चली जाती है, एबडक्टर हियाटस में, और इधर जाने के बाद फीमोरल आर्टरी टर्मिनेट हो जाती है और उसी आर्टरी को, फीमोरल आर्टरी को फिर अपन बोलने लगते हैं पॉपलीटल आर्टरी। तो जो फीमोरल आर्टरी है वो आपकी एंटर करती है इस एबडक्टर कैनाल में एपेक्स ऑफ फीमोरल ट्राइंगल से। उसके बाद मैंने आपको बताया था वहाँ पे क्या कर रही थी, आप दो ब्रांचेस दे रही थी, एक मस्कुलर ब्रांच, दूसरी डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच। अब डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच जो है फर्दर आपकी दो और आर्टरी दे देती है, एक मस्कुलर आर्टरी, दूसरा सेफेनस आर्टरी। के अलावा ये जो फीमोरल वेन जो होती है वो कैसे लाया करती है, पोस्टीरियर टू फीमोरल आर्टरी इन अपर पार्ट। मैंने बताया था ना अपर पार्ट में पोस्टीरियर है फीमोरल आर्टरी की, देन लेटरल हो जाती है लोअर पार्ट में, देन सेफेनस नर्व है वो क्या रहती है फीमोरल आर्टरी के एंटेरियर में लाए करती है। उसके अलावा नर्व टू वास्टस मीडियलिस कैसे लाए कर रही थी, लेटरली, ये लेटरल साइड ऑफ वास्टस मीडियलिस मसल आपकी लाए करती है। उसके अलावा ऑब्टुरेटर नर्व के दो डिवीजन, एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर। अब जो इंटीरियर डिवीजन जो होता है यह आपका इमर्ज करता है, मतलब कि एडक्टर मैग्नल मसल की लोअर बॉर्डर में जाके ये जो है इमर्ज हो जाता है। वही अपन देखें पोस्टीरियर डिवीजन जो है ये आपकी एबडक्टर मैग्नल मसल की इंटीरियर सरफेस में ही ये रन करता है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया एबडक्टर कैनाल। एबडक्टर कैनाल जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी का शॉर्ट नोट है, तो अगर ये आता है तो उसको कैसे लिखना है, तो जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया है ना आपको उसी सीक्वेंस में लिख के आना है। पहले आप लिख देना इसकी डेफिनेशन कि ये क्या होती है, ये आपकी होती है इंटर मस्कुलर स्पेस, देन इसका एक्सटेंड लिखना कि एपेक्स ऑफ फीमोरल ट्राइंगल से आपकी एबडक्टर हियाटस तक इसका रहता है एक्सटेंड, देन फिर आप इसकी सारी बॉर्डर लिख देना, इसकी इंटेरियर लेटरल बॉर्डर, इसकी पोस्टीरियर मीडियल बॉर्डर, देन इसकी मीडियल वॉल, देन जो है इसकी मीडियल वॉल में ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सब सार्टोरियल प्लेक्सिस रहता है, तो सब सार्टोरियल प्लेक्सिस को लिख देना। उसके अलावा फिर आप इसके सारे कंटेन लाइन से लिख देना और ये कंटेन किस तरीके से कैनाल के अंदर लाए करते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप लिख देना। उसके अलावा एक इसका एबडक्टर कैनाल का क्लिनिकल भी लिख देना। देन कौन से डायग्राम बनाने हैं, ये दो डायग्राम आपको यूनिवर्सिटी में बना के आने पड़ेंगे। तो अगर आपके मेरी इस वीडियो से अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हों कि इसकी बाउंड्री कंटेन क्या है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें सारे लोअर लिंक की मैं वीडियो डालने वाला हूँ, और जो अपर लिंक की जो वीडियो है मेरे आपको चैनल पर पूरी अपर लिंक की वीडियो मिल जाएगी, मैंने पहले ही अपलोड करके रखी है। उसके अलावा मैं आपको हर वीडियो में ये भी बताता हूँ कि किस तरीके से इसको लिख के आना है, ये जो क्वेश्चन है पहले मैंने कंसेप्ट समझा दिया, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिख के आना है, क्योंकि अल्टीमेटली अपन को मेन एम क्या है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है। और ये सारा टॉपिक खत्म होने के बाद मैं इसकी सेपरेट पीजी की एमसीक्यूज की भी वीडियो में डाल दूंगा, तब आप वो भी देख लेना। उसके अलावा जो एनाटॉमी है उसके अंदर एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी और उसकी क्लिनिकल वीडियो पे जो है लेस देन 5 मिनट एनाटॉमी क्लिनिकल सीरीज, लेस देन 5 मिनट हिस्टोलॉजी सीरीज और इसके एक एम्ब्रियोलॉजी की सीरीज में पूरी की पूरी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, इसलिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करो। मैं बेसिकली पूरा कंटेंट तुम्हारे लिए पहले बनाया, फिर शूट करा, देन उसको एडिट करता हूँ, फिर मैं अपलोड कर रहा हूँ। अगर मैं इतना सारा हार्डवर्क अगर तुम्हारे लिए कर रहा हूँ तो तुम्हें सिर्फ एक चीज़ करना है, इस वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो है हेल्प होगी।